मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में एमओआईसी और रैपिड एक्शन टीम की बैठक एनेक्सी सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, प्रभारी एसडीएम सदर विपिन कुमार सहित रिस्पांस टीम के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कोरोना के संक्रमण को रोकने तथा मृत्यु दर न्यूनतम करने की दिशा में हर संभव प्रभावी कार्यवाही करने के साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त ने टीम भावना के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता क्षम्य नहीं होगी, किसी भी हालत में जनपद को कोरोना मुक्त करना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एमओवाईसी पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करे तथा ब्लॉक स्तर पर निगरानी समितियां सक्रियता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे। यदि कहीं भी किसी को कोविड की संदिग्धता हो जाए तो उसकी तत्काल जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंडलायुक्त जयंत मार्लिकर ने कहा कि पॉजिटिव व्यक्ति के कॉन्टेक्ट का अधिक से अधिक तलाश किया जाए तथा जिस सीएससी पीएससी पर अधिक पॉजिटिव केस है वहां पर अधिक से अधिक टेस्टिंग बढ़ाई जाए। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया कि कोविड 19 के मरीजों की जांच हेतु रैपिड एक्शन टीम का गठन किया गया है। 10 टीमें शहरी क्षेत्र में तथा 10 शहरों से बाहर लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रैपिड टीम से डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है। और हॉस्पिटल का रेट क्या है? सो
हो सकता है पोर्टल का ना करें उनको कैंडिडेट